गुड मॉर्निंग क्लास, आइए हम लोग रीजनिंग में आज बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। तो आपका यानी जो चैप्टर का नाम है शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित करना। देखिए आपके पास डिक्शनरी होगा, जब आपके पास डिक्शनरी होता है तो आप कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए हमको देखना है CAT खोजना है, तो कैसे खोजेगा? तीन अक्षर खोजेगा। सबसे पहले किस पर जाएगा? आगे पेज उलटते जाएगा तो वहां पे क्या खोजेगा? सी। उसके बाद क्या खोजेगा? फिर जब सी मिल गया तो सी वाला में ही फिर क्या खोजेगा? ए। फिर सी ए रहना चाहिए, उसके बाद उसके आगे टी खोजेगा। मान लीजिए कि आपके पास कुछ डिक्शनरी दिया गया और आपको खोजने के लिए ऐसे ऐसे दिया गया, देख लीजिए। हाँ। ठीक है, ये है आपका, आप ही बताइए। सब में तो सी है, पहला तो सी खोज ली, उसके बाद आप बताइए ए पहले खोजिएगा कि ओ पहले खोजिएगा? ए खोजिएगा। तो ए तो अभी खोजेंगे ना दो नंबर, अब जब ए खोजिएगा तो ए तो सब में है। देखो पहले सी खोजे और तब कौन खोजे? ए। उसके बाद इसमें है टी, इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया, ए वाला रहता तब ना, तो टी है। और इसमें कौन है तीन नंबर पर? आर। इसमें कौन है? एल। तो आप ही बताइए अब कौन पहले खोजिएगा, पहले टी खोजेगा कि पहले आर खोजेगा कि पहले एल खोजेगा? एल खोजेगा। कौन खोजेगा? एल। एल खोजेगा, तो ये आ गया। अब बताइए उसके बाद, अब चार, अब तो देखो यहाँ पे एल खोज लिए, अब तो कहीं पे सब टी टी है, तो इसका मतलब कि पहले कौन अक्षर मिलेगा? कॉल मिलेगा। तो कौन पहले आया? चार। पहले कौन आया? चार। अब इसको हटाइए, हटा दे, अब बताओ तीनों में, ये तो यहाँ पे है, यहाँ पर ये है, वो वाला तो बातें नहीं आएगा, वो वाला बात आएगा क्या? सी है, सी है, अब एमें टी है, एमें आर है, पहले कौन खोजेगा? आर। तो कौन आ जाएगा? तीन नंबर आ गया। आप बताओ आप कौन खोजोगे? पहले ए खोजोगे कि पहले ओ खोजोगे? तो क्या नंबर आया? ए का। तो आप कौन खोजोगे? कोई दिक्कत? तो एक और देखो, एक है PEACOCK और उसके बाद है PARROT और एक है PAPEACE। चार ऑप्शन, एक दो तीन चार, बताओ आप खोजो। पहले कौन खोजोगे? पी, सब में पी है। उसके बाद इसमें ई ई ए ई, कौन खोजोगे? तो कौन नंबर हो गया? हटाते जाओ। आप देखो PEA तीन तक मिल गया, तो चौथा में है सी, और चौथा में है क्या? सी। कोई उपाय है? लेकिन एक उपाय तो है, पहला वो ये तो मिल गया PEA, PEA तो मिल गया, तो ये आ गया एक नंबर, ये हो गया। अब इसमें देखो PEA PEA सी सी, एम है ई, एम है ओ, तो कौन है? तब कौन आएगा? दो नंबर। क्या कोई समस्या है? खोज लीजिएगा। अब आपके पास आता है TEACHER TALL, ठीक है, और THIRSTY और उसके बाद है ABUSE। पहले कौन आएगा? पहले टी आएगा कि पहले ए आएगा? A। चार हो गया, ये गायब हो गया। अब इसमें टी ई टी ए टी एच कौन आएगा? दो आ गए, ये भी गायब। अब टी ई टी एच है, कौन आएगा? अब तब कौन आएगा? तीन नंबर। कोई समस्या है? तो एक क्वेश्चन दे, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। बिल्कुल आसान चैप्टर है जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन स्क्रीन पर, ए नंबर ऑप्शन में है INVENTORY, इन्वेंट्री।
ऑप्शन नंबर बी है एन वी ओ एल यू एन टी ए आर वाई, ऑप्शन नंबर सी है आई एन वी आई एस आई वी एल ई, ऑप्शन नंबर चार है आई एन वी ए आर आई ए बी एल ई, और पांच नंबर ऑप्शन है इन वेस्टी गेट, और आपका जो ऑप्शन दिया है इस तरीके से डी बी ई सी ए, बी नंबर में है डी ई ए सी बी, सी नंबर में है बी ई डी ए सी, और डी नंबर ऑप्शन जो है आपका डी ए ई सी बी। और आपका क्वेश्चन है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो पहले कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने बनाया होगा तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले गौर कीजिए तो यहाँ पे आई एन भी तो सब में है, देख लो बउआ आई एन भी तो सब में है, तो अब तो यहाँ तक तो कोई सोचना ही नहीं है। अब आगे सोचो, इसमें है ई ओ आई ए ई, तो कौन आएगा? ए यानी डी नंबर, तो ई तो ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए इसको हटा ले, अब देखिए अब कौन आएगा ई ओ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ना है ई आई ओ और ई, तो सबसे पहले कौन आएगा? ई वाला आएगा। अब ई वाला में भी झंझट, दो गो है तो बगल में फिर सटाओ, ए में एन है, ए में एस है, कौन आ जाएगा? पहले एन आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया। ए वाला डी के बगल में ये देख लो, ये दोनों हो सकता है, आगे चेक करे कि ना करे, तो समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद।